आखिर क्यों गेटफोर को फॉरेन में बैन किया गया है और क्या कोर गेट से फॉरेन में टॉयलेट को साफ किया जाता है और लाइफबॉय साबुन से फॉरेन में कुत्तों को क्यों साफ किया जाता है। इस तरह के फैक्ट जानने के लिए आप भी यही बोलेंगे। क्या बात है। नंबर 7 रेड बुल। भारत में यह ड्रिंक आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी, मगर शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि रेड बुल को फॉरेन में बैन किया गया है, क्योंकि फ्रांस और नॉर्वे जैसे देशों में इस ड्रिंक की अधिक कैफीन की मात्रा पाए जाने के कारण इस ड्रिंक को बैन किया गया है। नंबर 6 डिस्प्रिन। दवा को सिर दर्द से राहत पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस दवा को फॉरेन में बैन किया गया है। दरअसल में इस दवा को कई अन्य देशों में सेहत के लिए सेफ नहीं मानते हैं और केवल डिस्प्रिन ही नहीं बल्कि नीमुरेंड और टोटल दवा को भी बैन किया गया। नंबर 5 जो हम कोलगेट को ब्रश करने के लिए यूज करते हैं, वहीं पर अमेरिका में इसे टॉयलेट को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। इस वजह से कोलगेट को अमेरिका में बैन किया गया है। नंबर 4 आप में से कई लोगों ने लाइफबॉय साबुन का यूज जरूर किया होगा। दरअसल में लाइफबॉय साबुन को दूसरे देशों में जानवरों को साफ करने के लिए यूज किया जाता है। फॉरेन के डॉक्टर इस साबुन को स्किन के लिए खराब मानते हैं, यही वजह से लाइफबॉय साबुन को इस्तेमाल वहां जानवरों पर किया जाता है। इसी वजह से लाइफबॉय साबुन को फॉरेन में बैन किया गया है। नंबर 3 आल्टो 800 कार को फॉरेन में बैन किया गया है। दरअसल में आपको बता दें कि ग्लोबल ANCP टेस्ट ना पास कर पाने के कारण इस कार को बेहद असुरक्षित माना जाता है और इस तरह टाटा नैनो कार को भी फॉरेन में बैन किया गया है। नंबर 2 हमारे देश में बहुत से लोगों को च्युइंगम खाना पसंद करते हैं और तो कुछ लोगों को इसे खाने की लत ही लग गई है, लेकिन इसे स्विट्जरलैंड में बैन किया गया है। दरअसल में च्युइंगम खाने के बाद हर कोई सड़क पर फेंक देता है, जिस वजह से वहां पर चलने वाले लोगों के जूते पर चिपक जाता है, इसलिए इसे स्विट्जरलैंड में बैन किया गया है। नंबर 1 पेस्टिसाइड का इस्तेमाल खराब फसल करने वाले कीड़ाणुओं के लिए किया जाता है। किसान अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसे फॉरेन में बैन किया गया है। दरअसल में उनका मानना है कि पेस्टिसाइड जोन सा केमिकल होता है वह शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जो आपने वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।